नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैसा एक्ट को लेकर गुरुवार को आदिवासियों को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, जल जंगल जमीन और जनजातीय वर्ग का अधिकार है, मध्य प्रदेश सरकार उनके हक को दिला रही है। छल और कपट से प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, बहला फुसला कर कुछ लोग आदिवासी बेटियों से शादी कर लेते हैं और बच्चों के नाम पर जमीन हड़प लेते हैं और ये मैं नहीं होने दूंगा। अगर कोई जमीन इस तरह से हड़पता है तो ग्राम सभा को अधिकार होगा कि वह उस जमीन को वापस उस व्यक्ति को दिला सके। प्रदेश में जनजातीय वर्ग को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने के लिए पैसा एक्ट लागू किया गया है, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आएगी। गांव का पैसा गांव के विकास में ही उपयोग होगा। सीएम ने कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को मंच पर बुलाया, पैसा एक्ट को लेकर निर्देश दिए। डीएफओ, एसडीओ को 3 बार बुलाया और कुछ देर बाद एसडीओपी अवस्थी पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पैसा एक्ट से जनजाति वर्ग को मजबूती मिलेगी। नए नियमों के अनुसार अब पटवारी और विटगार्ड को गांव जमीन का नक्शा, खसरा, B1 नकल गांव में ही लाकर ग्राम सभा दिखाने होंगे, जिससे कि जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी ना कर सके। यदि कोई गड़बड़ी करता है तो ग्राम सभा को उससे ठीक करने का अधिकार रहेगा। किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेने के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी होगी। खनिज के मामले में जिनमें रेत खदान, गिट्टी, पत्थर के ठेके देना है या नहीं, यह भी ग्राम सभा में ही निर्णय लिया जाएगा। इन्हें पहले जनजातीय समाज सहकारी समिति को दिया जाएगा। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज से।